सावन के महीने में चावल से बनाए दो औसम और टेस्टी रेसिपी हर बाइट में आएगा परंपरा का स्वाद। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में चावल से दो तरह की पारंपरिक रेसिपी बनाऊंगी जो हम अक्सर अपने घरों में बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून घी लेकर गरम कर लिया है और इसमें मैंने आधा कटोरी चावल को साफ धोकर एक्स्ट्रा पानी को पूरी तरह से हटा दिया है। इस चावल को हम रोस्ट करेंगे, हाई फ्लेम पर रोस्ट करना है और चावल का कलर चेंज नहीं होगा। बस चावल क्या है, हम इस तरह से रोस्ट करेंगे ना तो ये वाइट पड़ जाएगा, अच्छी तरह से फूल जाएगा और जब इसे हम पकाएंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चावल हल्का हल्का वाइट होने लगा है, ये बहुत अच्छी तरह से फूलने लगा है। इसे हम 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे हाई फ्लेम पर। तो चावल को हमने 4 मिनट के लिए रोस्ट कर लिया है, अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और चावल को हम ठंडा कर लेंगे। तब तक इसमें जो मेवे ऐड करेंगे इनकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिए काजू बादाम, 4 छोटी इलायची, किशमिश और चिरौंजी। बादाम और काजू को मैं कट कर लेती हूँ। अपनी चॉइस के मुताबिक इसमें आप मेवे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से बादाम को बारीक और लंबाई में कट कर लें। चलें जी, इतनी देर में हमारे चावल ठंडे हो गए हैं, इन्हें हम पीस लेते हैं एक मिक्सी के जार में डालकर। तो चावल को हमें मोटा मोटा दरदरा सा पीसना है, जैसे मोटी सूजी होती है ना, बिल्कुल इसी तरह से। साथ में इसमें इलायची डाल देंगे जो हमने मेंशन की थी। तो चावल को मैंने पीस लिया है और आप देखिए ये इतना मोटा है, ये थोड़ा सा मोटा है, आप इसे मोटी सूजी की तरह भी पीसेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से चावल को पीस करके आप हफ्ते 15 दिन के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी आपको चावलों की खीर बनानी हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम इसकी मजेदार सी खीर बना करके तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध और इसे मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। दूध अच्छा गर्म हो गया है, आप देख सकते हैं इस पे मलाई जम गई है। इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे चावल जो हमने तैयार करके रखे हैं। ये खीर हलवाई की तरह से गाढ़ी मलाईदार बनकर तैयार होगी, बहुत टेस्टी बनेगी क्योंकि इसमें हमने चावल को रोस्ट करके डाला है। दूसरा बेनिफिट ये है चावल का इसमें कि इस तरह से चावल की खीर बनाने से बहुत जल्दी पक जाती है और चावल डालकर खीर को एक साथ चलाते हुए हमें हाई फ्लेम पर शुरू शुरू में पकाना है। जब इसमें एक उबाला आ जाएगा तो फ्लेम को मीडियम हाई करके इसे पकाएंगे, नहीं तो ये उफनेगी। ये खीर बहुत ही सौंधी और टेस्टी बनकर के तैयार होगी। आप देख सकते हैं चावल कितनी तेजी से पका है और खीर भी तेजी से गाढ़ी हो चली है। इस स्टेज पर इसमें हम ऐड करेंगे शक्कर 1 कटोरी, ये परफेक्ट है, इससे खीर एक सी मीठी होगी। अगर आपको थोड़ी सी मीठी या हल्की सी कम फीकी चाहिए तो आप 2 से 3 चम्मच कम या ज़्यादा शक्कर कर सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। शक्कर के मेल्ट होने और खीर के गाढ़ा होने तक इसे हम पकाएंगे। शक्कर डालने से थोड़ी सी पतली हो जाती है, आंच को तेज़ कर लेंगे। खीर को शुरू से लेकर अब तक पकाने में 10-12 मिनट लग जाते हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से खीर बन चुकी है। इस स्टेज पर खीर में मेवे ऐड कर दें और मजीद 2 मिनट के लिए पका लें। इसमें मेवे डालते हुए एडिट नहीं कर पाई हूँ, मेवे डालकर मैंने खीर को मजीद 2 मिनट के लिए और पका लिया था। फिर गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है। आप देख सकते हैं ठंडे होने के बाद खीर की कंसिस्टेंसी है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है। तो इसे हम सर्व कर लेते हैं और इसके बाद इसकी दूसरी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। गाढ़ी मलाईदार खीर बनकर के तैयार है, चले इसकी फटाफट से दूसरी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है मैंगो पल्प। अपनी चॉइस के मुताबिक खीर में मैंगो का पल्प डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कोशिश करें कि आम मीठा होना चाहिए, मीठे आम का पल्प ज़्यादा बेटर होता है। अच्छे से मिक्स करेंगे। खीर के ऊपर मैंगो के कटे हुए टुकड़े इसे डालकर इसे गार्निश कर दें। फिर इसके ऊपर मैंगो का पल्प डाल करके इसे गार्निश करें। गाढ़ी मलाईदार और टेस्टी खीर बनकर तैयार है, मनपसंद मेवे से गार्निश करके इसे सर्व करें। खीर की यह रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़।